हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। देखिए, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था, हमने मशीन जो है ना बिल्कुल कंप्लीट कर दी थी। ये देखिए हमारी मशीन है, और मशीन बिल्कुल ओके होनी चाहिए। आज मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, अम्ब्रेला मशीन की जो है ना सिलाई कैसे निकालते हैं, और सिलाई निकालने के लिए आपको क्या क्या करना होगा और क्या क्या सावधानी बरतनी है दोस्तों, जिससे जो है ना आपकी मशीन जो है ना बिल्कुल सिलाई अच्छे से देगी। तो आपको क्या क्या करना है, तो आपको जो है ना दोस्तों वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। हमारे चैनल पर पहली बार आए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा ले, ठीक है दोस्तों। दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्या करेंगे दोस्तों, ये देखें, जैसे डब्बी फिरकी है, नई डब्बी फिरकी है, नई डब्बी फिरकी में जो है ना ये इसमें धागा भरेंगे, और ये देखें ये डब्बी है, ठीक है दोस्तों। धागा भरने के लिए क्या करेंगे, ये इसमें धागा लेंगे और धागा भर के दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है दोस्तों। जैसे धागा भर देंगे, धागा जो है ना डब्बी में चेक करेंगे, ऐसे लगाएंगे और इसको ऐसे धागे को चेक कर लेंगे, ये धागा टाइट नहीं चलना चाहिए और ना ही लूज चलना चाहिए। तो इसकी धागे की सेटिंग ऐसे करेंगे जिससे जो है ना हमारा धागा बिल्कुल मलाई सा निकले। ये देखें धागा बिल्कुल ऐसा होना चाहिए ताकि नीचे दबाने से ऐसे निकलता रहे और ऐसे बिल्कुल रुका रहे, ठीक है दोस्तों। तो ये डब्बी का हमारा धागा हो गया, ये थोड़ा एक्स्ट्रा करके शटल में लिए, ये देखें ऐसे आसानी से लगा देंगे। अब मैं दिखाता हूँ दोस्तों, जैसे क्या नाम धागा लगाएंगे, क्या नाम इसमें तो जो टेंशन होती है, तो टेंशन में क्या करेंगे, धागा लेंगे और ऐसे डोरे को टेंशन के अंदर मार लेंगे, ताकि जिससे है ना जो हमारी टेंशन में कचरा वगैरह या क्या नाम कोई भी खार होता है वो इससे ख़त्म हो जाएगा। ये देखें ऐसे धागा लगाएंगे, बरासो लगा के हल्का सा, और इसमें बिल्कुल अच्छे से इसके खार ख़त्म कर देंगे। देखें इससे जो है ना हमारा दोस्तों धागा बिल्कुल मतलब ऐसा निकलेगा, ये देखें। और इसको घुमाने के बाद इसको अच्छे से कपड़े से साफ कर देंगे, एक कपड़ा लेंगे और इसको इसके अंदर ये देखें ऐसे घुमा लेंगे, ताकि जिससे जो है ना हमारी मशीन के अंदर का सारा कचरा निकल जाए। ये देखें बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। और क्या करना है दोस्तों, ये देखें ठीक है दोस्तों। और ये गूंज चेक करेंगे, ये टेंशन गूंज ऊपर से नीचे तक ऐसे आनी चाहिए अपने आप। और उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, ये धागा लगाएंगे, धागा लगाने के लिए इंडिया गेट लेंगे, ये गेट लगा के दिखाता हूँ आपको, ताकि जिससे जो है ना हमारी मशीन में धागा आसानी से चल सके। ये पैंच खोल लेंगे ऊपर का, ये देखिए, और यहाँ पर इंडिया गेट लगा लेंगे जिससे हमारी मशीन में धागा आसानी से चल सके। इसको टाइट कर देंगे बिल्कुल सीधा, और इसमें धागा लगाएंगे, ये रील लेंगे और इसमें इसको ऐसे लगा लेंगे। और अब क्या करेंगे, धागा डालना शुरू करते हैं। ये सबसे पहले थ्री ऑयल में डालेंगे और उसके बाद टेंशन में, ये देखें और टेंशन का धागा ऐसे चेक कर लेंगे, ठीक है। टेंशन का धागा बिल्कुल अच्छे से निकलना चाहिए, अगर टाइट है तो उसको लूज कर लेंगे और लूज है तो उसको टाइट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद धागा डालेंगे कुंडी में, ये देखें ये कुंडी में धागा डाल गया, और उसके बाद धागा सुई में डाल देंगे, ये देखो ये हमारा सुई में धागा डल गया, और इसको मत्थे के अंदर ऐसे और एलतार के अंदर ऐसे धागा कर लेंगे। और अब मैं धागा निकाल के दिखाता हूँ, ये देखिए आसानी से नीचे का धागा हमारा ऊपर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये धागा डालने का आसान तरीका, मैं सिलाई निकाल के दिखाता हूँ आपको कैसे निकालते हैं। और ये एक कपड़ा ले लेंगे, ये देखिए, ठीक है। और जैसे धागा लगाएंगे तो ये देखिए, और सिलाई चेक करके देखेंगे मशीन की, हमारी मशीन की सिलाई कैसे आती है। ये सिलाई हमारी बिल्कुल ओके है, ये देखिए एक एक दाना, ना तो कहीं टाप है और ना ही धागा छोड़ रही है मशीन, ठीक है दोस्तों। ये देखिए अगर हम जो है ना मशीन का टाँका छोटा बड़ा भी करेंगे तब भी हमारी सिलाई बिल्कुल ओके आएगी। ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो ये हमारी मशीन की सिलाई बिल्कुल ओके है, और सिलाई में कहीं भी कोई फॉल्ट नहीं, ठीक है दोस्तों। ये हमारी मशीन है ना दोस्तों कंप्लीट हो चुकी है, और मैंने आपको एक एक चीज़ बताई है मशीन में कैसे लगाते हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको जो है ना पार्ट बाय पार्ट मशीन बना के दिखाई है, अगर आप जो है ना सिलाई मशीन का काम लेना चाहते हैं, सिलाई मशीन बनाना चाहते हैं, तो मेरे वीडियो देखकर आप जो है ना आसानी से मशीन को ठीक भी कर सकते हैं और नहीं भी बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।